दोस्तों ये लग्स है जो कि वायर में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेसिंग होगा और ये इसका हाइड्रोलिक मशीन है जो कि इसको प्रेस करने के लिए है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पंचिंग करने के लिए बहुत आसानी से आप पंच कर सकते हैं इस तरह से लगा के इसमें, और देख सकते हैं यहाँ पे इसका डाई दिया गया है और इसमें इस तरह से फंसा कर और आपको यहाँ पर पंपिंग करना है जिससे ये लग्स प्रेस हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ अंकित बाबू है, ये प्रेसिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से पंप करना है आपको और इस तरह से यहाँ बराबर रखना है और इसको प्रेसिंग करना है। तो देख सकते हो बहुत आसानी से प्रेस हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हो गया है प्रेसिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ढंग से हुआ है। और यहाँ पे अभी सारा हमें करना है चारों वायर को, देख सकते हैं इस तरह से करके आपको बराबर रख के, और इसमें भी दूसरा वायर को भी कर लेना है इस तरह से हमको। तो दोस्तों ये 150 mm का डाई है, देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है यहाँ पे, और इसको इस तरह से आपको अंदर लेना है। और इसमें दोस्तों देख सकते हैं ये टाइट करने के लिए दिया गया है, और इसको टाइट करेंगे इस तरह से, उसके बाद दोस्तों प्रेशर बनेगा इसमें। तो देख सकते हैं अभी ये इस तरह से पंपिंग करने से इसमें प्रेशर बनेगा और ये यहाँ पे इस तरह से लॉक होने के लिए ये बाहर निकलेगा इस तरह से, तो लॉक होगा वहाँ पे जाके प्रेसिंग करेगा, क्योंकि देख सकते हैं ये चिपक गया और ये प्रेसिंग हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ये हार्ड हो गया तो ये प्रेसिंग चल रहा है, अब देख सकते हैं तो ये प्रेसिंग हो गया है दोस्तों। और इसको इस तरह से लूज कर लेना आपको, लूज करने के बाद दोस्तों ये रिटर्न चला गया अंदर, देख सकते हैं यहाँ, और ये हो गया कंप्लीट। फिर से दोस्तों दूसरा बार करना है, देख सकते हैं ये पतला दिया गया जिसके कारण से एक बार में नहीं होता है, तो फिर से दो तीन बार में होता है दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह से कर लेना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर।